नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाशु गुलेरिया ज्ञानमेटिक्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो अगर आपने ज्ञानमेटिक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई वुड सजेस्ट कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी मैं नेक्स्ट डिफेंस से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेंस के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2019। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर मंथली एडिशन में हर मंथ डालूँगा, लेकिन कुछ कारणों के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाया। तो आज की वीडियो में हम जनवरी से लेकर मई तक के सभी जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं डिफेंस और सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में चैनल है ज्ञानमेटिक्स नाम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है t.me/ज्ञानमेटिक्स, वहाँ क्लिक करके डायरेक्टली टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक मॉक क्वेश्चन है। धनुष इज़ अ नेवल वर्जन ऑफ विच मिसाइल? धनुष जो है वो नेवल वर्जन है कौन सी मिसाइल का? अग्नि, पृथ्वी, नाग या हेलिना? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं वीडियो के लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं जनवरी 2019 की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से। सो फर्स्ट है आपके पास एक अपॉइंटमेंट, सौरभ कुमार जो हैं वो नए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन बने। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो एक चेन है, 41 टोटल हमारी इंडिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है कोलकाता में। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कोलकाता जो है वो है हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स। दूसरी अपॉइंटमेंट इम्पॉर्टेंट है SSB की। SSB होता है सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो इनके नए DG बने हैं कुमार राजेश चंद्र जो हैं वो SSB के नए DG बने। SSB की बात करें तो SSB का पुराना नाम था स्पेशल सर्विस ब्यूरो, और 1962 में जब चाइना की इंक्रूजन बढ़ गई थी इंडिया में, तब डिसाइड किया गया था कि आर्मी के अलावा एक अलग से स्पेशल ब्यूरो होना चाहिए जो इन इंक्रूजन से डील करे। तो स्पेशल सर्विस ब्यूरो जो है SSB उस समय फॉर्म हुआ था, लेकिन इसे 2001 में रीनेम किया गया एज सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप याद रख सकते हो। थर्ड है आपके पास डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। ठीक है, ये लॉन्च किया गया डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और ये जो स्टार्टअप चैलेंज है ये लॉन्च किया गया आईडेक्स स्कीम के अंडर। अब आईडेक्स स्कीम क्या है? आईडेक्स स्कीम है इनोवेशन फॉर डिफेंस एंड एक्सीलेंस। ठीक है, ये जो स्टार्टअप चैलेंज है ये विद सपोर्ट ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स या ऑर्गेनाइजेशन, ये जो मिनिस्ट्री हैं इनकी मदद से ये स्टार्टअप चैलेंज जो है वो लॉन्च किया गया। इसमें है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अटल इनोवेशन मिशन एंड नीति आयोग, ये चार जो हैं इनकी सपोर्ट से ये डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टार्टअप चैलेंज जो है वो सामने रखा। अब इस स्टार्टअप चैलेंज से क्या होगा, जो मेक इन इंडिया स्कीम है उसको बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है फोर्थ हमारे पास न्यूज़ जनवरी की, LCH कम्प्लीटेड वेपन ट्रायल्स। LCH क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। आपको पता होगा LCA के बारे में, LCA हमारा तेजस है, ये भी हल द्वारा बनाया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। LCA की फुल फॉर्म रहती है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, और LCH की फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये भी सिमिलर मतलब फैशन में बनाया गया है ताकि कॉम्बैट फीचर इसमें रहें और ये लाइट रहे। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो LCH बनाया गया है इंडिजिनसली, वो वर्ल्ड का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट है, या फिर हम कह सकते हैं ओनली हेलीकॉप्टर है जो सियाचिन ग्लेशियर जितनी हाइट पे वर्क कर सकता है या कॉम्बैट कर सकता है या ऑपरेट कर सकता है। अब इसमें फर्स्ट टाइम एयर टू एयर मिसाइल जो है वो एंगेज करना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब मतलब जो ये हेलीकॉप्टर है ये एयर टू एयर स्ट्राइक कर सकता है। नेक्स्ट है इम्बेक्स 2018 एंड 2019। इम्बेक्स जो है वो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन एंड म्यांमार आर्मी के बीच में, और ये आपकी हुई है इंडिया में चंडी मंदिर
मिलिट्री स्टेशन, ठीक है, ये आपका पंचकुला में है और ये वेस्टर्न कमांड है, चंडी मंदिर, याद रखिए। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, विमेन को अब 20% जॉब्स मिलेंगी मिलिट्री पुलिस में, ठीक है। देखिए विमेन की एंट्री जो है अभी तक सिर्फ ऑफिसर रैंक पे होती थी, लेकिन अब क्या है PBOR यानी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक भी इंक्लूड कर रहे हैं जैसे कि मिलिट्री पुलिस। और ये जो है ये अनाउंस किया है हमारी एक्स जो डिफेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमण, ठीक है। अब डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि अभी डिफेंस मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट है डिफो ब्रिज। डिफो ब्रिज जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये इनॉगरेट किया गया हमारी एक्स डिफेंस मिनिस्टर द्वारा निर्मला सीतारमण, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिज है, आपको पता होना चाहिए। डिफो ब्रिज जो है वो डिफो रिवर के ऊपर है और अरुणाचल प्रदेश में है। इनॉगरेट किसने किया? निर्मला सीतारमण ने। और ये एक 426.60 मीटर लॉन्ग प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट ब्रिज है, ठीक है, और ये डिफो रिवर में है। अब ये ज्वाइन किसको करेगा? रोइंग कोरुनु पाया रोड, ठीक है, और ये दिबांग वैली को जोड़ेगा लोहित वैली से। ये दोनों वैलीज जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश में है। और ये डिफो ब्रिज जो है ये बनाया गया है अंडर प्रोजेक्ट उदायक, ठीक है। प्रोजेक्ट उदायक जो है ये BRO का प्रोजेक्ट है, BRO जो है वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनके अंडर ये प्रोजेक्ट था उदायक और उन्होंने बनाया ये डिफो ब्रिज। नेक्स्ट है आपके पास 8th न्यूज़, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है कि हम जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है वो मेक इन इंडिया में करेंगे, या फिर मतलब मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे इन डिफेंस सेक्शन ऑल्सो। तो इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये हुई है हैदराबाद में, तो आपको प्लेस याद होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास PM इनॉगरेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाय LNT, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अंडर मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च की गई और ये जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये रन करेगी LNT। LNT है लॉरेन एंड ट्यूब्रो, ठीक है। और इसमें बनेगा क्या? इसमें बनेगा K9 वज्र होविट्जर, ठीक है। इसमें होविट्जर बनेंगे K9 वज्र, और ये कहाँ पे इनॉगरेट की गई? ये की गई गुजरात के हजीरा जिले में। नेक्स्ट है सी विजिल नेवल एक्सरसाइज। सी विजिल नेवल एक्सरसाइज जो है वो जनवरी में की गई इंडियन नेवी द्वारा। इसमें क्या किया गया? जो हमारी एंटायर 7516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है उसको पूरा विजिलेंस में रखा कि अगर कोई, जैसे आपका 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, वैसी कोई सिचुएशन दोबारा ना आए, तो उसके लिए ये एक्सरसाइज जो है वो कराई गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास तमिलनाडु का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो इनॉगरेट किया गया। अब इसमें लॉकहीड मार्टिन है, USA की एक बहुत जायंट कंपनी है डिफेंस सेक्टर में, वो इसमें इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। तमिलनाडु, याद रखिए कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अभी अभी जो लॉन्च किया गया या इनॉगरेट किया गया वो किया गया तमिलनाडु में। नेक्स्ट है 12th न्यूज़, इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज IAFTEX, ये हमारी लॉन्च की गई, ये कंडक्ट की गई, सॉरी, ऑन द मिलिट्री स्टेशन कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में, ठीक है। पुणे में ये एक्सरसाइज हुई हमारी इंडिया की अफ्रीका के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया एंड जापान। इंडिया एंड जापान की डिजास्टर कंट्रोल एक्सरसाइज जो हुई है ये इंडिया और जापान के बीच में हुई और इंडिया की तरफ से ICGS शौनक ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज रही है, इंडियन कोस्ट गार्ड और जापनीज कोस्ट गार्ड के बीच में, तो ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है LRSAM सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम कोस्ट ऑफ ओडिशा। अब LRSAM का मतलब है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। ये सक्सेसफुल टेस्ट किया गया इसका ओडिशा से। अब ये जो मिसाइल है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये जॉइंटली बनाई गई DRDO द्वारा और IAI द्वारा। IAI है इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ठीक है, और ये इंडियन नेवी के लिए बनाई गई है ताकि इंडियन नेवी जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो लॉन्च कर सके। नेक्स्ट है INS कोहासा कमीशन इन नेवी। कोहासा जो है वो अभी अभी नेवी में कमीशन की गई और
ये जो है नेवल एयर स्टेशन शिवपुर द्वारा कमीशन की गई इंडियन नेवी में। कोहासा की बात करें तो कोहासा जो है वो इंडिया का फोर्थ एयर बेस बनेगा और थर्ड नेवल एयर फैसिलिटी बनेगा अंडेमान एंड निकोबार रीजन में। ठीक है, ये अंडेमान एंड निकोबार में एक नेवल बेस हम कह सकते हैं, या एयर बेस की तरह हम इसे यूज़ कर सकेंगे। बाकी दो नेवल एयर बेस की बात करें तो वो भी अंडेमान एंड निकोबार में है। एक का नाम है INS उत्कर्ष उत्क्रोश सॉरी ये है पोर्ट ब्लेयर में, और दूसरा है INS बाज एट कैंपबेल बे। ठीक है, ये दो आप याद रख सकते हो, ये दोनों ही नेवल एयर बेसिस हैं, और ये तीसरा नेवल एयर बेस बनेगा अंडेमान एंड निकोबार में फिर से। नेक्स्ट है, इसके साथ जनवरी तो ख़त्म हो गया, अब हम फेब 2019 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो देखेंगे। पहला है डिफेंस बजट 2019 जो है उसमें क्या रहा। देखिए, ये एक इंटरिम बजट रहा क्योंकि इलेक्शन जो थे वो सर पर थे, तो इसलिए इलेक्शन जब होते हैं तो इंटरिम बजट आता है। ठीक है, तो 2019 का बजट है। इंटरिम बजट में क्या था कि इन्होंने एलोकेशन जो है डिफेंस मिनिस्ट्री की वो इनक्रीज़ कर दी बाय 6.87%। ठीक है, पिछले साल थी 3.18 लाख करोड़, और इस साल सॉरी इस साल हुई है 3.18 लाख करोड़, और पिछले साल थी 2.98 लाख करोड़। ठीक है, तो ये 6.87% इनक्रीज़ कर दी है। और डिफेंस बजट जो है आपको पता होना चाहिए कि हमारी GDP का कितना परसेंट जो है वो डिफेंस बजट में जाता है। तो GDP का करीब 1.44% जो है वो सिर्फ डिफेंस बजट में ही चला जाता है। नेक्स्ट है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी अभी एक्विजिशन को अप्रूव किया है मिलन 2T एंटी टैंक मिसाइल्स का। ठीक है, अब ये जो एक्विजिशन है ये की गई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा, जिसके हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, और क्योंकि ये फेब में हुई है तो इसके उस समय डिफेंस मिनिस्टर रही हैं श्रीमती सीतारमन, निर्मला सीतारमन। ठीक है, और ये मिलन जो एंटी टैंक मिसाइल हैं ये बनाई गई हैं यूरो मिसाइल्स द्वारा, और ये जो कंपनी है ये फ्रांस की एक कंपनी है। नेक्स्ट है, US अप्रूव सेल ऑफ 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स फॉर एयर इंडिया वन। ठीक है, अब दो US ने 2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो एयर इंडिया वन के लिए अप्रूव किए हैं। एक का नाम है लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स, ठीक है, LAIR CAM, और दूसरा है सेल्फ प्रोटेक्शन सूट्स, ठीक है, SPS। अब इससे क्या होगा, जो एयर इंडिया वन जो है वो बेसिकली आपकी फ्लाइट्स रहती हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े हेड हैं लाइक प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, उनकी जो प्लेन्स हैं उनमें सिक्योरिटी रहेगी, तो US से हम वो सिक्योरिटी खरीदेंगे जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि US से हम खरीद रहे हैं एयर इंडिया वन की सिक्योरिटी सिस्टम या डिफेंस सिस्टम्स। नेक्स्ट है, 19th, इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च्ड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट प्रोपेल्ड मिसाइल। ठीक है, इंडिया ने सक्सेसफुल लॉन्च किया रैमजेट प्रोपेल्ड मिसाइल का। रैमजेट प्रोपेल्ड मिसाइल में क्या खास फीचर है कि इसमें सॉलिड फ्यूल जो है वो यूज़ किया जाएगा, और ये इंडिजिनियसली बनाई गई इंडिया द्वारा, और ये एक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। ठीक है, और ये बनाई गई है DRDL द्वारा। DRDL का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। ठीक है, ये जो लैब है ये है एट हैदराबाद, ये दो चीज़ें याद रखो। नेक्स्ट है आपके पास, PM ने फाउंडेशन स्टोन रखा सेला टनल का। सेला टनल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में रखी गई, और ये सेला टनल जो है ये सेला पास को ज्वाइन करेगी। सेला पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश में एक पास है, और ये एक हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पास है। ठीक है, अब ये जो है सेला पास ये किन किन रीजन को कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करेगा आपका तवांग रीजन को। ठीक है, तवांग की बात करें तो तवांग एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ठीक है, तवांग जो सिटी है वो चाइना कहता है कि उनकी चाइना के अंदर आती है, और इंडिया जो है इस पे अपना क्लेम करता है, तो ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ये सेला टनल जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि सेला टनल अगर बन जाती है तो हम तवांग तक वेस्ट कमांग से इजीली हमारी जो आर्मी है उनको पहुंचा सकेंगे। अगर इन फ्यूचर हमारा कोई क्लैश होता है चाइना के साथ, तो ये सेला टनल जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगी।
आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में है, और सीला टनल जो है वो तवांग को कनेक्ट करेगी, और ये भी हमारी बीआरओ द्वारा बनाई जा रही है। नेक्स्ट है हमारे पास 21st, डिफेंस इनोवेशन हब्स। ये जो हैं ये फैसिलिटीज़ आईडेक्स स्कीम के अंडर ही लॉन्च की गई है, और इसमें हम जो हैं वो डिफेंस इनोवेशन हब्स जो हैं वो इंडिया में इस्टेब्लिश करेंगे। अब डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यही इन हब्स को इस्टेब्लिश करेगी अंडर आईडेक्स स्कीम, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है, और ये सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश की गई। इसे फंड करता है हल और बेल, ठीक है। बेल होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, DIO का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है हमारे पास चिनूक हेलीकॉप्टर्स। चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो है वो इंडियन एयरफोर्स में अभी अभी हाल ही में इंडक्ट किए गए। चिनूक की खास बात ये है कि इसमें दो प्रोपेलर लगे होते हैं, दो इसमें आपके पास विंग्स होंगे, इसके विंग्स नहीं कह सकते, इनके दो मतलब प्रोपेलर ही आप कह सकते हो, कि इसमें जैसे हेलीकॉप्टर में एक सिंगल प्रोपेल्ड रहता है, इसमें डबल प्रोपेल्ड होता है। और ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो हैं बोइंग द्वारा, बोइंग भी यूएसए की कंपनी है, और बोइंग का आपको पता होना चाहिए कि बोइंग की जो फ्लाइट्स हैं एयर इंडिया की वो बंद कर दी गई हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जिसके कारण ये स्टेप उठाना पड़ा, और ये काफ़ी न्यूज़ में भी है, तो आपको ये जो है एविएशन इंडस्ट्री का पता होना चाहिए। अब चिनूक की बात करें तो चिनूक का काम क्या रहता है, चिनूक का काम रहेगा आपका जो फ्यूल है, या फिर अगर सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है वो काम करेगा चिनूक हेलीकॉप्टर, ठीक है। काफ़ी बड़ा प्लेन रहता है, डबल प्रोपेल्ड रहता है, और ये हमारा आया है मुद्रा पोर्ट गुजरात में। आपको पता होना चाहिए मुद्रा पोर्ट जो है, मुद्रा पोर्ट ये गुजरात का पोर्ट है, और वहाँ से ये इंडिया के अंदर लाया गया। चंडीगढ़ में इसका मतलब इसमें टेस्ट फ्लाइट्स की गई, और इसे 2019 में, फेब 2019 में इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी ने एनुअल एक्सरसाइज एक्सरसाइज तोपची जो है वो कंडक्ट की एट दियोलाली कैंप नियर नासिक, ठीक है। और इसमें क्या किया गया, एक्सरसाइज तोपची में हमारी आर्टिलरी की जो फायर पावर है उसको शोकेस किया गया, जिसमें हमने यूज़ की अल्ट्रा लाइट होविट्जर्स, और इंडिजिनियस जो हमारी स्वाथी वेपन लोकेटिंग रेडार है उसका यूज़ किया, और शोकेस किया हमारी फायर पावर का। नेक्स्ट है मल्टीनेशनल कोबरा गोल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज, ये हमारी हुई है थाईलैंड में। कोबरा गोल्ड की बात करें तो ये होस्ट की गई है थाईलैंड और यूएसए द्वारा ज्वाइंटली, और ये हुई है थाईलैंड में। एक मल्टी नेशनल ये एक एक्सरसाइज है कोबरा गोल्ड, याद रखिए थाईलैंड द्वारा कंडक्ट की जाती है, या और इस साल ये 2019 में यूएस और थाईलैंड ने ज्वाइंटली इसे होस्ट किया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज वायु शक्ति 2019। एक्सरसाइज वायु शक्ति जो है ये हमारी पोखरान रीजन में की गई, राजस्थान में। वायु शक्ति जो है ये हमारी कंडक्ट की गई आफ्टर जो अटैक हुआ था पुलवामा, जिसमें हमने शोकेस किया कि हमारी जो एयरफोर्स है वो कितनी क्षमता रखती है कोई एक्सरसाइज करने में, या फिर कोई कॉम्बैट जो ऑपरेशंस होते हैं वो करने में। नेक्स्ट है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, एरो इंडिया 2019 ये इनॉगरेट किया गया बेंगलुरु में। आपको याद रखना है एरो इंडिया 2019 जो है ये कहाँ हुआ, ये हुआ है आपका बेंगलुरु में, बेंगलुरु में, और इसे इनॉगरेट किया गया यूनियन डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, जो हमारी एक्स यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन। और ये कहाँ किया गया, ये किया गया येलहंका एयर फोर्स स्टेशन बेंगलुरु में, ठीक है। अब इसमें क्या है, डिफरेंट डेज में ये कंडक्ट किया गया, और डिफरेंट डेज की डिफरेंट थीम्स हैं, तो एक बार नज़र मार लेते हैं कि क्या क्या हुआ। Day 1 था इनॉगरल डे जिसकी, और Day 2 और 3 की जो थीम थी वो थी स्टार्टअप डे एंड टेक्नोलॉजी डे, और Day 4 की बात करें तो Day 4 जो था वो वुमेन्स डे के तौर पे मनाया गया वहाँ पे, और Day 5 जो है वो पब्लिक डे रहा। अब एरो इंडिया की बात करें तो ये एक तेजस से, इसका लोगो देखिए यहाँ पे जो एरो इंडिया है, इसका लोगो
तेजस से इंस्पायर्ड है, तेजस का जो शेप रहता है एयरक्राफ्ट का उससे इंस्पायर्ड है, और इसकी टैगलाइन है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इसकी टैगलाइन आपको याद होनी चाहिए, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। लोगो मैंने जैसा कि बताया एलसीए तेजस द्वारा इंस्पायर्ड है। ड्रोन ओलंपिक्स की बात करें तो ये भी एक टेक्निकल टर्म आप कह सकते हो, जहाँ जो कि एरो इंडिया में यूज़ की गई। ड्रोन ओलंपिक्स जो है वो अपॉर्चुनिटी देता है कि जो भी यूएवी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एंथुजियास्ट हैं, जो यूएवी बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक कंपटीशन टाइप लॉन्च किया गया एरो इंडिया द्वारा। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, मिसिंग मैन फॉर्मेशन। ठीक है, मिसिंग मैन फॉर्मेशन जो है उसमें क्या रहता है, आपकी एक एरो फॉर्मेशन होती है जिसमें एक प्लेन की जगह जो होती है वो मिसिंग होती है, और वो डिपेक्ट करती है जो भी सेक्रीफाइस या फिर कोई मार्टियर हुआ है अभी तक, वो उनको डेडिकेट करती है मिसिंग मैन फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये मिसिंग मैन फॉर्मेशन जो है ये की गई उस समय एरो इंडिया में क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें विंग कमांडर साहिल गांधी जो है उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो न्योछावर कर दी। ठीक है, वो उस एक्सीडेंट में मारे गए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये मिसिंग मैन फॉर्मेशन की गई। और नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास 27th, गवर्नमेंट अनाउंसेस फ्री ट्रेवल फॉर पैरामिलिट्री फोर्सेस टू कश्मीर, CAPF। ठीक है, CAPF की फ्री एयर ट्रेवल जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस की। अब ये की गई है क्योंकि जो पुलवामा अटैक हुए उसमें 40 हमारे CRPF के जवान जो हैं वो शहीद हो गए, क्योंकि जो उनकी ट्रैवल है वो उसकी सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर नहीं हुई। तो फ्री एयर ट्रैवल करने से क्या होगा, उनकी जो सिक्योरिटी लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, और ये चांसेस जो हैं अटैक्स के लाइक पुलवामा अटैक वो इन फ्यूचर कम होंगे। अब ये फ्लाइट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, ये है दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से दिल्ली, देन जम्मू कश्मीर, जम्मू से श्रीनगर, देन श्रीनगर टू जम्मू। ये जो भी फ्लाइट्स हैं ये सब फ्री रहेंगी फॉर CAPF और CRPF जवान्स। ठीक है, अब पहले क्या था, ये सिर्फ जो हमारे ऑफिसर लेवल थे उन्हीं के लिए फ्री ट्रेवल था, लेकिन अब जो पर्सनल्स हैं जितने भी CAPF के अंडर पर्सनल्स आएंगे उन सब के लिए ये जर्नी जो है वो फ्री रहेगी। और ये जर्नी कौन कौन सी होगी, जिसमें वो ज्वाइन करेंगे ड्यूटी को, या ट्रांसफ़र हो रही है उनकी, या फिर कोई टूर है, या वो छुट्टी पे जा रहे हैं, तो इन सभी के लिए एयर ट्रैवल जो है वो CAPF जवान्स का फ्री होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 28th, इंडियन एयरफोर्स स्ट्रक अगेंस्ट जैश ए मोहम्मद कैंप्स इन पाकिस्तान, जो स्ट्राइक्स 2.0 हुई ये हमारी जेम के अगेंस्ट रही। जेम का मतलब है जैश ए मोहम्मद, आपको पता होना चाहिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स की गई LOC के अंडर, मतलब अंदर घुस के, हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के ये स्ट्राइक्स की हैं, और इसमें जो प्लेन्स यूज़ हुए हैं वो हुए हैं Mirage 2000, एंड उन्हें एस्कॉर्ट किया गया 4 Sukhoi 30 MKI द्वारा। जैश ए मोहम्मद की बात करें तो ये जो है ये इट वॉज फाउंडेड बाय मसूद अज़हर। ठीक है, मसूद अज़हर काफ़ी न्यूज़ में चर्चित एक ग्लोबल टेररिस्ट हैं जिसे चाइना जो है काफ़ी समय से बैक कर रहा था, उसे ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो अनाउंस नहीं कर रहा था UN में, लेकिन हाल ही में मसूद अज़हर को भी, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर जो था वो चाइना के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हो गया था आफ्टर पुलवामा अटैक एंड आफ्टर एयर स्ट्राइक्स एट बालाकोट, तो मसूद अज़हर को ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो मतलब उसे ग्लोबल टेररिस्ट का टाइटल जो है वो दे दिया गया है। अब इसके हेडक्वार्टर की बात करें जैश ए मोहम्मद, तो ये है बहावलपुर में, बहावलपुर आपका पाकिस्तान में है। चीफ की बात करें, अभी जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है वो है मसूद अज़हर का ब्रदर इन लॉ, जिसका नाम है मौलाना यूसुफ अज़हर। ठीक है, ये आपको चीज़ें जो हैं वो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास, प्राइम मिनिस्टर ने अभी अभी एक नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो इनॉगरेट किया। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो इंडिया गेट के पास ये इनॉगरेट किया। अब ये क्यों किया गया, क्योंकि देखिए हमारे पास जो अमर जवान ज्योति है, ठीक है, अमर जवान ज्योति का आपको पता होगा, इंडिया गेट की ही बात कर लेते हैं, तो ये जो है वो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था
और ये इंडिया गेट जो है वो डिपिक्ट करता था जो आपके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो जवान जो हैं वो शहीद हुए, या फिर जो आपके जो इंडो अफगान वॉर हुई थी उसमें जो इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये बनाया गया था। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो इंडियन की जो इंडिया की पोस्ट इंडिपेंडेंस वॉर्स हुई हैं उनमें जितने भी सेक्रीफाइसेस हुए हैं, जितने भी मार्टियर्स हुए हैं, उनको मतलब उनके लिए कोई अलग से एक मेमोरियल नहीं था। तो इस कारण से ये प्रपोजल जो है वो काफ़ी टाइम से हमारे पार्लियामेंट में था और ये कर दिया गया पास। ठीक है, नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो न्यू दिल्ली में बनाया गया एडजॉइनिंग इंडिया गेट। अब इसकी खास बात ये है कि ये एक फोर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स इसमें रहेंगे, जिसमें सबसे बीच में रहेगा अमर चक्र, फिर आएगा वीरता चक्र, फिर त्याग चक्र और रक्षक चक्र। नेक्स्ट है हमारे पास मैनामती मैत्री एक्सरसाइज 2019। ये जो मैत्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रहती है, और इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है और बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, इन दोनों के बीच ये एक्सरसाइज रहती है मैत्री। अब इस बार की जो एक्सरसाइज है उसका नाम रखा गया है मैनामती मैत्री एक्सरसाइज। अब ये क्यों रखा गया? क्योंकि जो ड्रिल है, ये जो एक्सरसाइज है, ये हुई है मैनामती हिल रेंज के पास में। ठीक है, और ये मैनामती हिल रेंज की वजह से इसका नाम जो है वो मैनामती मैत्री एक्सरसाइज है रखा गया। अब ये एग्जैक्टली कहाँ पे हुई? तो ये हुई श्रीमंतपुर सिपाही जला डिस्ट्रिक्ट बॉर्डरिंग कोमिला डिस्ट्रिक्ट ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, कोमिला डिस्ट्रिक्ट जो है वो वहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई है। आपको जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ बांग्लादेश ही आ सकता है कि कौन से कंट्री में ये एक्सरसाइज हुई, या फिर मैत्री जो है वो किन किन दो देशों के बीच में होती है। ठीक है, तो बांग्लादेश आपको याद होना चाहिए कि मैत्री एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ होती है और बांग्लादेश में ही हुई है। नेक्स्ट है 31st, इंडिया ने सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया टू क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स का। ठीक है, QRSAM। तो इंडिया ने अभी अभी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया, और ये किया गया ओडिशा में। ठीक है, ओडिशा में। ठीक है, और ओडिशा कोस्ट में ये काफ़ी एक्सरसाइज जो हैं वो सॉरी ये जो टेस्ट होते हैं मिसाइल्स के वो ओडिशा में होते हैं और पोखरान रीजन में होते हैं। पोखरान जो है वो आपका गुजरात में है। नेक्स्ट है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में जो आपका धुबरी असम में है, उसमें बोल्ड क्विट सर्विलियंस जो है वो इंस्टॉल की जाएगी। बोल्ड क्विट का मतलब है बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड क्विक रिस्पॉन्स टीम इंटरसेप्शन टेक्निक। ठीक है, इसमें क्या रहेगा? आपका थर्मल इमेजिंग होगी, जो एडवांस आपके सर्विलेंस नेटवर्क है वो यहाँ इंस्टॉल किए जाएंगे एट धुबरी असम रीजन में। अब ये क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि धुबरी असम जो है वो काफ़ी वल्नरेबल एरिया है, जहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो बहुत इनक्रीज हो रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो है वो इंस्टॉल किया गया। अब ये एक पार्ट है CIBMS स्कीम का। CIBMS का मतलब है इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बोल्ड क्विट सर्विलियंस जो है वो आपकी कहाँ इंस्टॉल की जा रही है, ये की जा रही है धुबरी असम में। नेक्स्ट है, इसके साथ फेब की न्यूज़ ख़त्म होती है। मार्च में हम पहुंच गए हैं, मार्च 2019 में। फर्स्ट हमारी न्यूज़ है संप्रीति 2019। संप्रीति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये होस्ट की गई बांग्लादेश द्वारा एट तानगेल। ये हमारी 8th एडिशन थी 2019 में। नेक्स्ट है हमारे पास, इंडिया ने अभी अभी एक एग्रीमेंट साइन किया रशिया के साथ, जिसमें हम चक्र 3 अटैक सबमरीन जो है, जो कि एक अकूला क्लास सबमरीन है, वो हम खरीदेंगे रशिया से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो हम अटैक सबमरीन जो है चक्र 3, ये हम खरीद रहे हैं रशिया से। नेक्स्ट है हमारे पास, विमेन ऑफिसर्स जो है वो परमानेंट कमीशन उन्हें ग्रांट कर दी है, और ऑल 10 ब्रांचेज ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी में जो 10 ब्रांचेज हैं उनकी 10 की 10 में परमानेंट कमीशन जो है वो वुमेन ऑफिसर्स को मिल जाएगी। अब ये ऐसा नहीं है कि सभी को मिलेगी, इसमें मेरिट देखी जाएगी, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखी जाएगी, उनका 15 साल का पूरा तजुर्बा देखा जाएगा कि वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उसके बाद उन्हें डिसाइड किया जाएगा कि परमानेंट कमीशन जो है वो ग्रांट करनी है या नहीं। नेक्स्ट है आपके पास एयरफोर्स इंडेक्स, सॉरी AF
इंडेक्स, एएफ इंडेक्स जो है 2019 का, ये अफ्रीका एंड इंडिया के बीच की ज्वाइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, ठीक है, ज्वाइंट फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसमें इंडियन आर्मी और 16 अफ्रीकन नेशन जो हैं वो इकट्ठे पार्टिसिपेट करेंगे करते हैं। और ये एक्सरसाइज जो है ये हुई है पुणे में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एएफ इंडेक्स जो है वो अफ्रीका और इंडिया के बीच की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, या फिर जो आपकी फील्ड ट्रेनिंग है, ठीक है, और ये 16 अफ्रीकन नेशंस और इंडियन आर्मी के बीच में रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशन सनराइज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ऑपरेशन सनराइज जो है वो जॉइंटली किया गया इंडिया और म्यांमार द्वारा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कालाधन ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है एक प्रोजेक्ट है जो इंडिया के कोलकाता सी पोर्ट को कनेक्ट करेगा सितवी सी पोर्ट से म्यांमार के। इससे क्या होगा, देखिए इंडिया और म्यांमार का एक रफ सा स्केच मैं आपको बना के बताता हूँ। दिस इज़ इंडिया, इंडियन डेल्टा, दिस इज़ बांग्लादेश एंड दिस इज़ म्यांमार, ठीक है। दिस इज़ म्यांमार, दिस इज़ बांग्लादेश एंड दिस इज़ इंडिया। अब इंडिया का कोलकाता रीजन जो है, दिस पॉइंट इज़ कोलकाता, थ्रू सी पोर्ट वी विल कनेक्ट दिस कोलकाता रीजन विद म्यांमार रीजन, ठीक है। पहले क्या था, अगर कोई गुड्स एंड ट्रांसपोर्ट करना हो तो वो हम करते थे बाय लैंड थ्रू दिस रीजन, ठीक है, हमें नॉर्थ ईस्ट से होते हुए म्यांमार जाना पड़ता था। लेकिन कालाधन जो ट्रांजिट प्रोजेक्ट है, इसके कारण क्या होगा, 2-3 दिन हमारे बच जाएंगे इस ट्रांजिट में, ठीक है। ये थ्रू सी पोर्ट जो है वो 2-3 दिन कम कर देगा पूरे ट्रेवल को, पूरे ट्रांसपोर्ट को। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कालाधन ट्रांजिट प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे इंसर्जेंसी की बहुत प्रॉब्लम देखने को मिली, और कुछ इंसर्जेंट कैंप्स थे जो कि प्लान कर रहे थे इंडियन वर्कर्स को हिट करने का। अब उन्हें वाइप आउट किया गया इंडियन और इंडिया और म्यांमार आर्मी द्वारा, तो ये ऑपरेशन सनराइज नाम से जाना गया। और इसमें बस यही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आ जाते हैं, डी ब्रीफिंग की गई ट्रॉपेक्स 19 एक्सरसाइज की। ट्रॉपेक्स जो है वो एक इंटर सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड चारों ने मिलके पार्टिसिपेट किया, और ये आपकी एक्सरसाइज हुई है अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड में। अब इसकी डीब्रीफिंग किन्होंने की, तो ये की एक्स चीफ जो है नेवल स्टाफ के एडमिरल सुनील लांबा जी, उन्होंने इसकी डीब्रीफिंग की। अब आपको पता ही होगा हमारे जो नए चीफ हैं नेवल स्टाफ के वो चेंज हो चुके हैं, मतलब नए बन चुके हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं आपको मई की न्यूज़ में ये बता दूंगा, अगर नहीं भी पता है तो इट्स ओके। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है NBCTF अभेद्या, इसका इनोग्रेशन कर दिया गया इन मार्च, ठीक है। अब ये एक इंडियन नेवी न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी है जो कि INS शिवाजी पे लॉन्च की गई, ठीक है, और ये भी हमारी लॉन्च की है एक्स जो हमारे चीफ हैं नेवल स्टाफ के। आपको पता होना चाहिए जो न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी है ये इंडियन नेवी द्वारा लॉन्च की गई, वन पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट इज़ INS शिवाजी पे ये लॉन्च की गई। नेक्स्ट आते हैं मित्र शक्ति 5 में, ठीक है, 6 में, सॉरी, मित्र शक्ति 6th एडिशन जो है ये इट वॉज हेल्ड इन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। देखिए मैत्री जो है, डू नॉट कन्फ्यूज़ इन मैत्री एंड मित्र शक्ति, मैत्री इज़ इन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो ये कंडक्ट करती हैं, और मित्र शक्ति की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका के बीच की ये एक्सरसाइज है। मित्र शक्ति हमारी हुई है श्रीलंका में ही। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन एयरफोर्स ने 4 चिनोक जो हैं, बोइंग जो कि इसकी मैन्युफैक्चरर है, US की कंपनी है, उन्होंने ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स जो हैं बनाए हैं, और इंडियन एयरफोर्स ने अभी अभी 4 चिनूक जो हैं वो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स जो हैं इंडक्ट किए हैं इंडियन एयरफोर्स में। नेक्स्ट है ऑस इंडेक्स 2019। ऑस इंडेक्स 2019 जो है ये एक थर्ड इंस्टॉलमेंट है जॉइंट नेवल एक्सरसाइज की इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और ये हुई है विशाखापट्टनम में, और इसमें फोकस किया गया, दिस इज़ फोकस, फोकस किया गया एंटी सबमरीन वॉरफेयर के ऊपर, जो सबमरीन को कैसे आपने डिसमेंटल करना है, या फिर अगर आपके ऊपर कोई सबमरीन वॉरफेयर होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो ये सब उसमें सीखा गया।
तो इसी के साथ मार्च की जो इम्पोर्टेंट डिफेंस और सिक्योरिटी की करंट अफेयर्स थे वो हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे अप्रैल 2019 की तरफ। अप्रैल 2019 में क्या इम्पोर्टेंट बात थी? सबसे पहली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकती है 100%। तो जीआरएससी जो है, जीआरएससी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड, ये कोलकाता बेस्ड एक शिपयार्ड है और ये इंडिया का फर्स्ट शिपयार्ड बना जो कि 100 वॉरशिप्स जो है डिलीवर कर चुका है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि 100 वॉरशिप जो है वो कौन सा शिपयार्ड डिलीवर कर चुका है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके डिफेंस एग्ज़ाम्स में आए, ये आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 100 शिप की बात करें, वॉरशिप की बात करें, तो उसका नाम है NLCU L56। ठीक है, ये आपकी 100th वॉरशिप थी जो कि जीआरएससी ने डिलीवर की इंडियन नेवी को। नेक्स्ट है धनुष होविट्जर्स, ये इंक्लूड किए गए, इंडक्ट किए गए इंडियन आर्मी के अंदर। धनुष, अब धनुष जो है, धनुष एक मिसाइल भी है। धनुष नाम की होविट्जर जो हैं अब नए नए इंडियन आर्मी में इंडक्ट किए गए। धनुष मिसाइल की बात करें तो धनुष मिसाइल जो है, जो कि मैंने मॉक क्वेश्चन भी पूछा था, धनुष मिसाइल हम कहते हैं पृथ्वी 3 को। तो उसका आंसर जो था वो था पृथ्वी मिसाइल्स। ठीक है, तो धनुष जो एक नेवल वर्जन भी है मिसाइल का, और वो है पृथ्वी मिसाइल का नेवल वर्जन। नेक्स्ट है जो होविट्जर हैं, ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जो आपकी बफोर्स गन्स थी, जो हमारी 1987 और 1991 के बीच में इंडक्ट की गई इंडियन आर्मी में। तो रिवर्स इंजीनियरिंग द्वारा हमने बफोर्स गन की रिवर्स इंजीनियरिंग की और उन्हीं को इम्प्रूव किया एज धनुष होविट्जर। ठीक है, ये हमारी इंडियन आर्मी में अभी अभी इंडक्ट की गई। नेक्स्ट है हमारे पास, यूएस ने 24 MH-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स की सेल को अप्रूव किया इंडिया के लिए। अब सी हॉक हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडियन नेवी में देखिए, इंडियन नेवी में बहुत पुराने सी किंग हेलीकॉप्टर्स हैं ब्रिटिश मेड। अब ये क्योंकि पुराने हो चुके हैं, एंटीक हो चुके हैं, तो इनको रिप्लेस करने की बहुत ज़रूरत है। तो इनको रिप्लेस करेंगे सी हॉक हेलीकॉप्टर्स, और ये सी हॉक जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो है यूएस की एक डिफेंस जायंट है वो बनाएगी और ये इंडिया को सप्लाई करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, एमी सैट एड्स टू इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटी। एमी सैट की बात करें तो एमी सैट जो है वो हमारी, आफ्टर ए सैट जो है वो लॉन्च की गई। ए सैट की बात करें तो ए सैट जो है वो मिशन शक्ति में, जो आपने देखा होगा कि एंटी सैटेलाइट जो हम कैपेबिलिटी हमारी बढ़ चुकी है कि कोई भी अगर एनिमी सैटेलाइट है उसको गिराना है तो हम वो क्षमता रखते हैं जो कि ऐसा कर सकते हैं, और ये था मिशन शक्ति के अंडर। ठीक है, आपको पता होगा। अब इसके बाद हमने एमीसैट का लॉन्च किया है सक्सेसफुल। तो एमीसैट का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट। एमीसैट से क्या होगा, आपको दुश्मन के डिफेंस रडार जो हैं वो डिटेक्ट हो जाएंगे। देखिए, रडार जो है वो कैसे काम करता है, रडार जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसमिट करता है, जिसके कारण वो जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर कोई सबमरीन है या फिर आपके जो भी एनिमी इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो व्हीकल्स हैं या आपके वॉरशिप्स हैं, उनको डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूटिलाइज करता है। अब वो उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिटेक्ट करता है ये एमीसैट, और इनकी मदद से हम क्या पता लगा पाएंगे कि जो एनिमी के रडार्स हैं वो फंक्शनेबल हैं या फंक्शन में हैं इस समय या नहीं। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये बनाया गया अंडर कौटिल्या प्रोजेक्ट, तो ये दो चीज़ें आप याद रख सकते हो। और ये एमीसैट जो है ये ज्वाइंटली बनाया गया इसरो और डीआरडीओ द्वारा। नेक्स्ट है वाइस एडमिरल बिमल बिमल वर्मा, इन्होंने अभी अभी अपनी प्ली जो है, जिसमें उन्होंने चैलेंज किया था कि उनकी अपॉइंटमेंट जो है एज नेवी स्टाफ जो है वो नहीं हुई नेवी चीफ के तौर पे। उनका वैसे बनता था क्योंकि वो सीनियर मोस्ट आपके नेवी के ऑफिसर थे, तो अभी क्योंकि उनको सरपास किया है, उनसे छोटे जो रैंक में उनसे छोटे थे,
उनको बना दिया गया है इंडिया का नेवी चीफ, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए कि बिमल वर्मा जो हैं वो वाइस एडमिरल हैं, और उन्होंने अभी अभी अपनी जो अपॉइंटमेंट की प्लिया थी, जो उन्होंने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की जो ट्रिब्यूनल रहती है वहाँ पे उन्होंने ये चैलेंज किया था, उसे वापस लिया है, क्योंकि उन्होंने कहा, जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने उन्हें एडवाइस दी कि उन्हें पहले जाना चाहिए था डिफेंस मिनिस्ट्री के पास, और वो डायरेक्टली आज आ गए हैं ट्रिब्यूनल में। तो ये एक गलत प्रोसीजर है कोई भी चैलेंज करने का, तो इसलिए उन्हें ये चैलेंज जो है वो वापस लेना पड़ा। नेक्स्ट है मैत्री ब्रिज। मैत्री ब्रिज जो है ये एक लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है ओवर इंडस रिवर इन लेह, ठीक है, याद रखिए लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज जो है इंडिया का वो है मैत्री ब्रिज, और ये बनाया गया है इंडियन आर्मी द्वारा इन जस्ट 40 डेज, ठीक है, सिर्फ 40 दिनों में ये मैत्री ब्रिज जो है वो इंडियन आर्मी ने बना दिया। और ये जो है वो कॉम्बैट इंजीनियर्स जो हैं हमारी सहस और योग्यता रेजिमेंट के, और जो कोर है वो है फायर एंड फ्यूरी कोर इंडियन आर्मी की, उन्होंने ये मैत्री ब्रिज जो है वो इंडस रिवर पे बनाया इन ले। नेक्स्ट है वीर परिवार ऐप लॉन्च, ठीक है, वीर परिवार एक एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च की गई ऑन द ओकेशन ऑफ 54th वेलर डे, ठीक है, 54th आपका वेलर डे हुआ, आपको कमेंट करके बताना है कि वेलर डे जो है 54th वो कौन सी डेट को हुआ, ठीक है, शौर्य दिवस। अब इसमें क्या है, जो आपकी सीआरपीएफ के जो जवान हैं जो कि शहीद हो चुके हैं, उनको जो आपके मार्टियर्स हैं सीआरपीएफ के, उनकी फैमिलीज़ को किस तरह से पैसे पहुंचाने हैं, या उनको किस तरह से गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताना है जो उनके वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, तो ये वीर परिवार ऐप जो है वो लॉन्च की गई। अब ये जो वीर परिवार ऐप है ये आपको किसी प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी, ये आपकी जो सीआरपीएफ की टीम्स हैं वही इंस्टॉल करेगी, आपके जो फैमिलीज़ हैं ऑफ सीआरपीएफ मार्टियर्स उनकी उनके मोबाइल फ़ोन्स में, ठीक है। अब उनको क्या है ईज रहेगी, पूरा वो चेक कर सकते हैं कि उनके पैसे जो हैं वो कहाँ पहुँचे, या फिर उनको क्या क्या स्कीम्स जो हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और ये लॉन्च की गई हमारे हमारे प्रेसिडेंट द्वारा रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ने प्रोक्योरमेंट जो है T-90 टैंक्स की वो क्लियर की, हम 464 T-90 टैंक्स जो हैं वो खरीद रहे हैं रशिया से, और इसकी क्लियरेंस जो है वो दी है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने। डील जो है इसमें जो मेक इन इंडिया है उसको भी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि जो इसकी इंटीग्रेशन है, हम T-90 जो हैं वो पूरा पूरा वहाँ रशिया से नहीं मंगाएंगे, हम पार्ट्स में उसे मंगाएंगे, और उसकी इंटीग्रेशन जो है वो हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो अवधि में है चेन्नई में वहाँ करी जाएगी, और ये मेक इन इंडिया को इस तरह से बूस्ट करेगा। नेक्स्ट है नेवी ने वर्चुअल रियलिटी सेंटर जो है जिसमें हम डिज़ाइन करेंगे वॉरशिप्स को, वो इंस्टॉल किया एट न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली में ये वर्चुअल रियलिटी सेंटर जो है वो लॉन्च किया गया, और ये भी हमारा एक्स नेवी जो चीफ हैं एडमिरल सुनील लांबा जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो एक इंडिया और सिंगापुर के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये आपकी हुई है बबीना कैंटोनमेंट ऑफ झांसी में, ठीक है, आपको याद होना चाहिए कुरुक्षेत्र जो है एक्सरसाइज वो हुई है झांसी में इन बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। अब इंडिया सिंगापुर डिफेंस कॉपरेशन जो है ये हमारे ऑफिशियल टाइज कब हुए हैं, ये हुए हैं 2017 में, 2 साल पहले। नेक्स्ट है सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड। निर्भय एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, नंबर वन पॉइंट, और ये आपकी टेस्ट फायर कहाँ की गई, चंडीपुर ओडिशा में। अब इसकी स्पीड की बात करें तो ये 1 मैक से भी कम है, तो सबसोनिक है इसीलिए 0.7 इसकी मैक स्पीड है, और इसकी जो एल्टीट्यूड है वो भी कम है, ठीक है, 100 मीटर के एल्टीट्यूड पे ये फायर की जाती है। नेक्स्ट इज दिल्ली हाई कोर्ट सीक सेंटर्स रिस्पॉन्स ऑन प्ली ओवर असम राइफल्स। अब असम राइफल्स जो है वो न्यूज़ में क्यों रही, देखिए असम राइफल जो है वो न्यूज़ में इसलिए रही क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर से मतलब सेंटर से मांग रखी कि जो डुअल कंट्रोल है असम राइफल का उसे रिमूव किया जाए, और इसे अंडर
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लाया जाए, ठीक है। अब देखिए डुअल कंट्रोल क्या है असम राइफल्स का। असम राइफल्स जो है वो एक तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, दूसरा उसका ऑपरेशनल कंट्रोल है, ठीक है। जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो है अंडर होम मिनिस्ट्री, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो है अंडर होम मिनिस्ट्री, एंड जो इसका ऑपरेशनल कंट्रोल है इट इज़ अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री, ठीक है। तो डुअल मिनिस्ट्री के कारण क्या था, जो 1961 का जो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स हैं उसके मुताबिक जो असम राइफल है उसको प्लेस किया गया अंडर द हेड पुलिस, ठीक है। तो मतलब असम राइफल्स की बात करें तो हम असम राइफल्स को देखते तो हैं लाइक आर्मी, ठीक है, आर्मी के एक ब्रांच टाइप ही हम असम राइफल्स को मानते हैं। वैसे ये एक स्पेशल पैरा फोर्स है, स्पेशल नहीं, एक पैरामिलिट्री है, और क्योंकि ये पुलिस के अंडर डाली गई है तो ये एक आर्बिट्रेरी अनरीजनेबल बात है जो कि वॉयलेट भी करती है राइट्स ऑफ असम राइफल्स एक्ट सर्विस में, ठीक है। आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, तो क्योंकि ये पुलिस के अंडर टैग की गई है और इनका जो काम है इट इज़ क्वाइट डिफरेंट टू डैट ऑफ पुलिस, तो ये आर्टिकल 14 से मतलब वायलेट करता है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है, और असम राइफल्स को भी लाइक आर्मी के राइट्स जो हैं उस तरह के मिलने चाहिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो प्ली है वो मांगी है, सेंटर से रिस्पॉन्स मांगा है। नेक्स्ट है इंडिया वियतनाम, इंडिया वियतनाम ने एक नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की। अब ये कहाँ की है, ये की है कैमरन बे में, वियतनाम में। इंडिया की पार्टिसिपेशन की बात करें तो इंडिया की तरफ से INS कोलकाता और INS शक्ति ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और वियतनाम के प्रेसिडेंट की बात करें तो वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की कैपिटल आपको कमेंट करके मुझे बतानी है। प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ, त्रैन दाई क्वांग जो हैं वो वियतनाम के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल जो है वो लॉन्च किया गया। INS इम्फाल जो है वो एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, और ये एक थर्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो है जो कि इंडियन नेवी में इंडक्ट किया गया। INS इम्फाल जो है ये कहाँ इंडक्ट किया गया, ये किया गया मैजगांव डॉक्स, और ये अंडर प्रोजेक्ट 15B जो है वो लॉन्च किया गया। अब ये INS इम्फाल जो है ये बनाया गया डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन द्वारा न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है वरुण नेवल एक्सरसाइज 2019। वरुण जो है एक नेवल एक्सरसाइज है इन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। इंडिया और फ्रांस के बीच में ये एक्सरसाइज रहती है वरुण, और ये हुई है गोवा कोस्ट में इन अर्ली मे, ठीक है। गोवा में ये एक्सरसाइज हुई है इंडिया और फ्रांस के बीच में है। अब इंडिया फ्रांस डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो ये फाइनलाइज हुआ है लास्ट ईयर ही, ठीक है। 2018 में डिफेंस टाइज जो हैं वो ऑफिशियल हुए हैं या फाइनलाइज हुए हैं, और ये जॉइंट स्ट्रेटजिक विजन रखते हैं कॉपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। इंडियन ओशन जो रीजन है वहाँ पे जॉइंटली काम करेंगे। नेक्स्ट है एयर मार्शल राकेश के एस भदूरिया, ये अपॉइंट किए गए एज न्यू वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ठीक है। हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं BS धनोआ, ठीक है। BS धनोआ जो हैं वो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, और हमारे मार्शल ऑफ एयर फोर्स कौन है, मार्शल ऑफ एयर फोर्स का टाइटल सिर्फ एक शख्स को मिला है जिनका नाम है अर्जन सिंह, ठीक है। अर्जन सिंह को ये मार्शल ऑफ एयर फोर्स का टाइटल मिला है। चीफ हमारे हैं BS धनोआ, और वाइस चीफ जो हैं नए बने हैं वो बने हैं राकेश के एस भदौरिया, ठीक है। ये नाम आपको याद होने चाहिए तीनों। नेक्स्ट है मई 2019, मई 2019 में क्या हुआ, पहली न्यूज़ है गवर्नमेंट ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट 8 बनाने को कहा है GRSE को। GRSE अभी अभी मैंने आपको बताया न्यूज़ में इसलिए था कि GRSE जो है वो 100 वॉरशिप बनाने वाला पहला इंडियन शिपयार्ड बन चुका है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी कमोव का 31 को अप्रूव किया इंडियन नेवी के लिए। अब ये एक हेलीकॉप्टर्स हैं कमोव, जो कि एक रशिया की कंपनी है वो बनाती है KA-31 हेलीकॉप्टर्स, और हम जो हैं वो रशिया से 10 ऐसे KA-31 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो इंडियन नेवी के लिए खरीदेंगे। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने
फरवरी 27 जो है उसको एज ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट नाम से जाना। अब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में क्या हुआ, देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई 26 फरवरी को, उससे अगले दिन ही उन्होंने रिटेलेटरी एक्शन लिया पाकिस्तान ने, और उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट। ठीक है, इस ऑपरेशन में क्या हो रहा, हमारे जो MiG-21 बाइसन जो है वो शॉट डाउन हुआ, और कहा जाता है कि उन्होंने शॉट किया है F-16 को, जो कि पाकिस्तान का एक प्लेन है जो उन्होंने खरीदा है USA से। अब इसमें विंग कमांडर अभिनंदन भी काफ़ी न्यूज़ में रहे, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वेला जो है वो लॉन्च की गई। अब आपको पता होना चाहिए INS वेला जो है वो कौन सी क्लास है, इट इज़ स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन, स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन। ठीक है, नेक्स्ट है INS रंजीत, एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो कि डी कमीशन किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि INS रंजीत जो है वो अब डी कमीशन कर चुके हैं हम, और ये एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। नेक्स्ट है BRO ने सेलिब्रेट किया 59th रेजिंग डे ऑन May 7th। BRO जो है ये फॉर्म हुआ है 1960 में, 7 May 1960। ठीक है, और 59th एनिवर्सरी थी इसकी May 7th को 2019 में, और ये आपका आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये दो चीज़ें आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है INS विशाल, INS विशाल जो है वो इंडिया जो है UK की मदद से रेप्लिकेट करेगा, UK में जो उनकी क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको रेप्लिकेट किया जाएगा, उसका एक कॉपी कैट वर्जन बनाया जाएगा इंडिया में। ठीक है, तो ये मेक इन इंडिया को प्रमोट करेगा नंबर 1, और ये इसका नाम जो है 2022 में ये बनेगा, और इसका नाम रखा जाएगा INS विशाल, और ये इंडिया की लार्जेस्ट वॉरशिप रहेगी नेवी की। ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखो। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स ने फर्स्ट अपाचे जो गार्डियन अटैक हेलीकॉप्टर है US से खरीद लिया, और ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है ये बनाती है आपकी बोइंग प्रोडक्शन। ठीक है, बोइंग प्रोडक्शन जो जो कि है फैसिलिटी एट मेसा एरिजोना USA में। अब अपाचे को फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है, तो फ्लाइंग टैंक याद रखिए, अपाचे हेलीकॉप्टर्स को कहा जाता है। अपाचे बहुत ही पावरफुल हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि इंडिया ने पहला जो है US से खरीद लिया। नेक्स्ट है इंडियन नेवी ने साउथ चाइना सी में जो एक्सरसाइज चली हुई है, जो एक्सरसाइज साउथ चाइना सी की एक्सरसाइज है उसको ज्वाइन किया। अब इसमें इंडिया की तरफ से INS कोलकाता और INS शक्ति ने ग्रुप सेल किया 6 डे लॉन्ग। ठीक है, 3 मई से लेकर 9 मई तक ग्रुप सेल किया अलॉन्ग विद नेवल शिप्स ऑफ USA, जापान एंड फिलीपींस इन साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी में USA, जापान और फिलीपींस के साथ इंडियन जो नेवी है उनकी INS कोलकाता और INS शक्ति ने ग्रुप सेल किया। याद रखिए कौन कौन सी कंट्रीज हैं, USA, जापान, फिलीपींस एंड इंडिया, ये 4 कंट्रीज हैं। इन्होंने ये एक्सरसाइज साउथ चाइना सी में कंडक्ट की है, और इसमें ग्रुप सेल किया इन दो, INS कोलकाता और INS शक्ति ने। नेक्स्ट न्यूज़ है जो US के नेवी चीफ हैं, डेट इज़ एडमिरल जॉन मैकल रिचर्डसन, इन्होंने इंडिया विजिट किया, और इंडिया US डिफेंस रिलेशन की बात करें तो 2016 में USA ने इंडिया को स्टेटस दिया था मेजर डिफेंस पार्टनर का। 2018 में सितंबर में इंडिया और US के बीच में मिनिस्ट्रियल 2+2 डायलॉग हुए, और 2019 की बात करें तो US नेवी के जो चीफ हैं वो इंडिया में इंडियन नेवी के चीफ से मिले। नेक्स्ट है 68th ADMM प्लस एक्सरसाइज जो है वो कंक्लूड की गई सिंगापुर में। ADMM प्लस जो है वो है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, और उनकी मैरिटाइम सिक्योरिटी फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है MSFTX, और ये कहाँ हुई, अभी ये हुई साउथ चाइना सी में एट RSS सिंगापुरा। RSS सिंगापुरा का दूसरा नाम है चंगी नेवल बेस, और ये सिंगापुर में है। अब ADMM प्लस की बात करें, ADMM प्लस में टोटल 18 मेंबर्स हैं, जिसमें से 10 मेंबर्स हैं आसियान नेशंस, और 8 मेंबर्स हैं USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, रशिया, चाइना एंड इंडिया। तो ये सभी के सभी 18 नेशंस जो हैं ये एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इंडिया जो है वो होस्ट करेगा इस साल का आर्मी स्काउट मास्टर्स कॉन्टेस्ट, और ये इंडिया जो है वो फर्स्ट टाइम होस्ट करने वाला है।
आर्मी स्काउट मास्टर कॉन्टेस्ट की बात करें तो ये एक रशिया का इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का पार्ट है, ठीक है। और ये कहाँ कंडक्ट किया जाएगा इंडिया में? ये किया जाएगा जैसलमेर सिटी में, राजस्थान में। अब ये इंडिया की कोनार्क कोर जो है वो कंडक्ट करेगी एट जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन। नेक्स्ट है, डीआरडीओ ने अभी अभी सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया अभ्यास का। अभ्यास जो है वो एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है, जिसको हम हीट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है विग्रहा, विग्रहा जो है उसको डिकमीशन कर दिया गया। विग्रहा आपको याद होना चाहिए कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है, ICGS। और ये कहाँ किया? ये किया विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इमकोर जो है वो एक इंडिया और म्यांमार के बीच की कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल है, और ये 8th टाइम जो है कंडक्ट की गई 2019 में, ठीक है। इमकोर याद रखिए, इंडिया म्यांमार कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। सिम्बेक्स 2019, ये 2019 मई में कंडक्ट की गई, और ये सिंगापुर और इंडिया के बीच की मैरिटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज है। इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज रहती है। नेक्स्ट है ब्रह्मोस एयर। ब्रह्मोस एयर जो है वो एक एयर वर्जन है ब्रह्मोस मिसाइल का, जो कि सुखोई 30 MKI द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट है भावना कांत। भावना कांत जो है वो फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरफोर्स पायलट बनी, जो कि कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। याद रखिए, भावना कांत जो है वो फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने क्वालिफाई किया कॉम्बैट मिशन में। नेक्स्ट है JF-17 फाइटर जेट्स। JF-17 जो है वो चाइना जो है पाकिस्तान को डिलीवर कर रहा है, ठीक है। पाकिस्तान जो है वो चाइना का एक बहुत बड़ा डिफेंस का हब है। डिफेंस की जो इक्विपमेंट्स है, वॉरशिप्स हैं या फिर जो एयरक्राफ्ट्स हैं, वो चाइना जो है बहुत बड़ा पार्टनर है पाकिस्तान का। नेक्स्ट है चार्टर ऑफ एफिलिएशन। ये साइन किया गया इन बिटवीन असम राइफल्स एंड ICG, जो डायरेक्टर जनरल्स हैं असम राइफल्स के और इंडियन कोस्ट गार्ड के। उन्होंने ये एफिलिएशन चार्टर जो है वो साइन किया इन बिटवीन 3rd नागा हिल्स बटालियन ऑफ असम राइफल्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप शौर्य। और ये कहाँ किया गया? ये किया गया लैथकोर शिलोंग में। अब ये क्यों किया गया, ये चार्टर जो है एफिलिएशन का, ये साइन क्यों किया गया इन बिटवीन असम राइफल एंड ICG? ये इसलिए साइन किया गया ताकि असम राइफल जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ कॉपरेट कर सके। अगर कोई इंटर सर्विस ऑपरेशन किया जाता है तो ये दोनों जो हैं एफिशिएंटली ये कंडक्ट कर सकें। नेक्स्ट है शाहीन 2। शाहीन 2 जो है ये एक मिसाइल है जिसका सक्सेसफुल टेस्ट फायर किया गया पाकिस्तान द्वारा। और ये जो है शाहीन, ये नाम रखा गया है आफ्टर अ फाल्कन बर्ड स्पीशीज इन पाकिस्तान। फाल्कन बर्ड एक स्पीशीज है, उसके नाम पे ये शाहीन जो है वो रखा गया। सहारा की बात करें तो एक हॉस्टल फैसिलिटीज जो है वीर नारीज के लिए रखी गई। सहारा एक हॉस्टल फैसिलिटी है जिसको लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली जो अनिल बैजल हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया सहारा नेवल हॉस्टल नाम से। वीर नारीज कौन होंगी? जो कि आपकी इंडियन नेवी में जो शहीद हो चुके हैं उनकी जो वाइफ्स हैं, जो विडोज हैं, उनके लिए ये हॉस्टल फैसिलिटी जो है वो लॉन्च की गई वीर नारीज। और ये कहाँ की गई? न्यू दिल्ली में वसंत कुंज में। नेक्स्ट है 80th। इंडियन आर्मी ऑफिसर को अभी अभी अपॉइंट किया गया एज कमांडर ऑफ यूएन मिस। यूएन मिस क्या है? यूएन मिस है यूएन मिशन इन साउथ सूडान। साउथ सूडान में पीस कीपिंग मिशन है यूएन द्वारा, और वहाँ की जो फोर्सेज हैं उन सभी का हेड जो जो अपॉइंट किया गया, जो कमांडर अपॉइंट किया गया, वो किया गया इंडियन आर्मी ऑफिसर को, जिनका नाम है शैलेश तैनाकर, ठीक है, तिनाकर। शैलेश तिनाकर जो है उन्हें अपॉइंट किया गया एज कमांडर ऑफ यूनिमिस। ये एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं इंडिया के। और यूएन के जो सिक्योरिटी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गटर्स, ठीक है। याद रखिए, एंटोनियो गटर्स जो हैं वो सिक्योरिटी जनरल हैं यूएन के। नेक्स्ट है 81st। इंडियन एयरफोर्स का AN-32 एयरक्राफ्ट जो है वो फर्स्ट एयरक्राफ्ट बना है इंडियन एयरफोर्स का, जिसमें बायो जेट फ्यूल जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा।
और ये बायोजेट फ्यूल ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा बायोजेट फ्यूल ही इसमें यूटिलाइज किया जाएगा, इसमें 10% ब्लेंड होगा जो बायोजेट फ्यूल है और जो एविएशन फ्यूल है, उन दोनों का। अब ये बायोजेट फ्यूल जो है ये कैसे कंप्राइज किया जाता है, ये कैसे बनता है? ये बना है जेट्रोफा ऑयल से और ये इंडिजिनियसली बनाया है इंडिया में। नेक्स्ट है आकाश 1S मिसाइल। आकाश 1S मिसाइल जो है ये टेस्ट फायर की गई DRDO द्वारा। ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, याद रखिए आकाश 1S मिसाइल जो है वो है सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स ने होमेज दिया कारगिल वॉर मार्टियर्स को, जो ऑपरेशन सफ़ेद सागर हुआ था इन 1999 एंड 2000। जो 1999 में कारगिल वॉर हुई थी उसमें जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में शहीद हुए थे ऑपरेशन सफ़ेद सागर को करते हुए, उनको ट्रिब्यूट दिया इंडियन एयरफोर्स ने। और इसमें मिसिंग मैन फॉर्मेशन का यूटिलाइज किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया मिसिंग मैन फॉर्मेशन एक एरियल सल्यूट है जिसमें प्लेन्स को इन एरो फॉर्मेशन रखा जाता है और एक गैप रहता है इन बिटवीन दीज प्लेन्स, ठीक है। और उस गैप जो वो जो गैप है वो डिपिक्ट करता है मिसिंग मैन को, और मिसिंग मैन जो है वो डिपिक्ट करता है जो भी मार्टियर्स हैं जो अपनी लाइफ जो है वो सेक्रीफाइस कर चुके हैं इंडिया के लिए। इसके बाद जून की कुछ न्यूज़ हैं इम्पॉर्टेंट, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, टेंशन मत लीजिए। मैं नेक्स्ट मंथ जैसे ही जून ख़त्म होगा मैं जून की दोबारा से मंथली एडिशन जो है वो आपके लिए ले आऊँगा। तो न्यूज़ है एडमिरल जो करमबीर सिंह हैं, एडमिरल करमबीर सिंह वो इंडिया के इंडियन नेवी के 24th चीफ बन चुके हैं। चीफ ऑफ इंडियन नेवी अब कौन है? सुनील लांबा नहीं है, चीफ ऑफ इंडियन नेवी हैं अब करमबीर सिंह। अब करमबीर सिंह जो है वो उनका कुछ कंट्रोवर्सी में रहे विमल वर्मा के साथ। विमल वर्मा जो हैं वो उनसे सीनियर थे और उनका बनता था अभी चीफ ऑफ इंडियन नेवी बनना, लेकिन उन्हें सुपरसीड किया करमबीर सिंह ने। और इनका जो है वो आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में केस चला था जो कि उन्हें विड्रॉ करना पड़ा उस प्ली को। उनको विड्रॉ इसलिए करना पड़ा क्योंकि आर्मी फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने उन्हें गाइडेंस दी कि उन्हें आर्मी फोर्सेस ट्रिब्यूनल में डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद आना चाहिए था। पहले उन्हें क्वेश्चन करना चाहिए था डिफेंस मिनिस्ट्री में, और उसके बाद अगर वहाँ सॉल्व नहीं होता मैटर तब उन्हें आना चाहिए था आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में। तो उन्होंने जो चैनल है वो गलत चूज़ किया जिसके कारण उन्हें अपनी प्ली जो है वो वापस लेनी पड़ी, ठीक है। तो ये दो नाम आपको याद रखने हैं, बिमल वर्मा और करमबीर सिंह। करमबीर सिंह जो हैं एडमिरल करमबीर सिंह बन चुके हैं चीफ ऑफ इंडियन नेवी, और वाइस एडमिरल कौन है? बिमल वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास BS धनोआ, उन्हें बैटन ऑफ चेयरमैन ऑफ COSC मिला। अब COSC का मतलब है चेयरमैन ऑफ चेयर सॉरी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो थे अभी तक वो थे एडमिरल सुनील लांबा, लेकिन वो रिटायर हो चुके हैं तो अब उनकी जगह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो मिलेगा BS धनोआ को, एयर चीफ मार्शल BS धनोआ। नेक्स्ट है आपके पास इंडियन एयरफोर्स का अभी अभी एक प्लेन AN-32 जो है एयरक्राफ्ट वो मिसिंग हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास 86 न्यूज़, इंडियन एयरफोर्स का AN-32 एयरक्राफ्ट जो है वो अभी अभी मिसिंग हो गया है, और ये हुआ है आपका जोहरट, उसने टेक ऑफ किया था जोहरट इन असम से और उसके बाद उसका कोई कुछ भी अता पता नहीं है। नेक्स्ट है फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहाना सिंह, ये फर्स्ट वुमेन पायलट बनी जिन्होंने हॉक जेट जो है वो फ्लाई किया। आपको बेसिकली तीन नाम याद रखने हैं, एक है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी जो है वो फर्स्ट वुमेन एयरफोर्स की पायलट बनी, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है मोहाना सिंह। मोहाना सिंह जो है फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहाना सिंह ये फर्स्ट वुमेन पायलट बनी हॉक जेट उड़ाने के। और थर्ड आपको याद रखना है भावना कांत। भावना कांत जो है वो फर्स्ट वुमेन पायलट बनी जिन्हें कॉम्बैट रोल जो है वो मिल चुका है, ठीक है। उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है कॉम्बैट रोल्स के लिए। तो ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, ये तीन ही हैं फर्स्ट बैच जो जिसमें
जो वुमेन पायलट बैच है इन पंजाब, ठीक है, पंजाब में खड़गा प्रहार जो है वो कंडक्ट की गई। तो इसी के साथ हमारी इंडिया जनवरी से लेकर मई तक की सभी के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो हैं 2019 की वो ख़त्म होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड से। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।